ओहो, ये कहाँ गया मैं? और जहां तक मुझे याद है, मैंने किसी को तो स्पॉन किया था, और जैसे ही वो स्पॉन हुआ मैं यहाँ पर आ गया। भाई मेरे समझ में तो कुछ बात नहीं आ रही, और मेरे पास मेरा सामान भी नहीं है। तो यार अभी तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि क्या पता बीच में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। विलेज सही में? भाई मैंने अभी अभी तो एक्सप्लोर करना शुरू किया था, और सामने देखो एक विलेज है। फिलहाल देखो यार, ये विलेज काफी ज्यादा बड़ा है, और इसमें एक फ्री की शॉप भी है। तो पहले मैं काम करता हूँ कि मैं उस शॉप में जाता हूँ, और फिर देखते हैं कि वहां पर क्या क्या मिल रहा है, और वैसे भी है तो वो फ्री की शॉप। और चलो मैं इसमें एंटर करता हूँ। ओके नाइस, यहाँ पे एक चेस्ट है, और उसके साइड में एक बोर्ड है, और उस पर लिखा है फ्री का माल। तो फ्री का माल है तो लूटते हैं, होप कि कुछ बढ़िया हो। ये ये एक एक जन्म का जन्म के है हैं। भाई, यहाँ पर तो सब कुछ है, आर्मर टूल्स और बाकी सब कुछ चीजें। वाह, बस भाई मेरा तो हो गया, अब नहीं जाता मैं माइनिंग पे। और अभी तो मैंने उस शॉप से सभी की सभी चीजें लूट लिया है, और अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया है, और लगता है मैं किसी अमीर विलेज में आ चुका हूँ। और अभी ना मैं एक काम करता हूँ कि मैं ना इस विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। ओहो हेलो, ये कौन है? नाम तो इसका कुछ बॉन्ड बता रहा है, और मैंने सुना है ये विलेजर हमें मिशंस देता है, और अगर हम उन मिशंस को अच्छी तरह से कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बदले में हमें डायमंड मिलते हैं। तो फिलहाल तो इसके पास अभी कोई मिशन है नहीं, और अगर होता तो भाई मैं अभी निकल जाता। और जहां तक मुझे लगता है कि इस विलेज में अभी हीरो ब्रांड का खौफ बना है, क्योंकि मैंने उसे स्पॉन किया था। बेचारे विलेजर्स। नहीं, ऐसी बातों पर नहीं हंसना चाहिए। तो अभी मैं इसी विलेज में रहने वाला हूँ, और अपने लिए एक प्रॉपर ठिकाना ढूंढता हूँ। ओके सो यार, बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिल चुका है एक घर, और वो भी इन्हीं प्राणियों का। तो अभी मैं सोता हूँ, और सुबह उठकर कुछ ढंग का काम करते हैं। सो सुबह हो चुकी है, और वेट, वो एक बेडरॉक का चैम्बर है। भाई मैंने कल पूरा का पूरा विलेज एक्सप्लोर किया है, कल तो मुझे कहीं पर दिखा नहीं, आज यहाँ पर कैसे आ गया? एक काम करता हूँ, मैं उसी के पास जाता हूँ, और फिर देखते हैं कि उसके अंदर है क्या। ओके तो यहाँ पर सीढ़ियाँ भी है, तो क्या मुझे इसके ऊपर जाना चाहिए? जाता ही हूँ। सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा है। मुझे इसके अंदर से कुछ तो अजीब आवाज़ आई। भाई सच कह रहा हूँ, चलो खोलते इसे। नहीं, हीरो ब्रेन है अपने पास, क्या पता इसके अंदर से कोई और बंदा निकल जाए, और फिर वो भी पावरफुल हो। इसीलिए इसको रहने देते हैं और अपने काम पर निकलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि देखो कुछ काम तो है नहीं करने को, इसीलिए मैं मिशन पर निकलता हूँ, और फिर क्या पता कि हमें कुछ ओपी वाला मिशन मिल जाए, जिसके बदले में हमें कुछ खतरनाक वाले डायमंड्स मिल जाए। तो अगर हमें कोई मिशन चाहिए होगा तो उसके लिए पहले हमें बॉन्ड के पास जाना होगा। और चलो यार, मैं पहले बॉन्ड के पास जाता हूँ, और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो क्या क्या बोल रहा है। तो यार अभी मैंने बॉन्ड से बात कर दिया है, और मुझे उसने एक मिशन दिया है, और हमारे मिशन का कोड नेम होने वाला है द मिस्टीरियस वार्ड। मतलब कि हमें एक मिस्टीरियस वार्ड को ढूंढना है, और ये तो ऐसा भी कह रहा है कि ये सबसे खतरनाक मिशन है, तो इसे थोड़ा संभल कर करना। और जिस वार्ड को ढूंढने के लिए हम जा रहे हैं वो ना काफी ज्यादा ओपी है, ऐसा ये बोल रहा है। बाकी देखते हैं कि वो स्वॉर्ड कैसे होने वाली है। और बेसिकली हमें बस इतना ही करना है कि इस वर्ल्ड में कहीं पर वो स्वॉर्ड है, बस हमें उसे लाना है। तो एक काम करता हूँ, मैं अभी निकलता हूँ, पर उससे पहले हम कुछ सामान कलेक्ट करते हैं। और मैप तो इसने मुझे दे ही दिया है, और खाने पीने का इंतजाम भी अपना है ही, और इसने मुझे एक घोड़ा भी दिया है। तो चलते हैं अपने मैप को देखते देखते। और मैं ना यहाँ पर खुद एक्साइटेड पड़ा हूँ ये देखने के लिए कि वो स्वॉर्ड कैसी होने वाली है, और ऊपर से ये हमारा पहला मिशन है, और सामने मुझे एक जंगल दिख रहा है, तो आई थिंक वो स्वॉर्ड उसी में है, क्योंकि यार मैप तो यही बता रहा है, तो मैं उसी में चलता हूँ। वैसे भी घबराने की कोई बात है नहीं, क्योंकि डायमंड का आर्मर है मेरे पास, और साथ ही साथ कुछ वेपन्स भी, तो रास्ता बहुत बड़ा है, और मैं तुमसे उसी लोकेशन पर जाकर मिलता हूँ। तो यार अब भी कसी नहीं है कि मैं उस लोकेशन के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच चुका हूँ। तो पहले तो अपने घोड़े को यहीं पर रख देते हैं, और सामने मुझे एक वॉल दिख रही है, और आई थिंक कि वो स्वॉर्ड इसी के अंदर होने वाली है। भाई अंदर से ना मुझे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही है। फिलहाल क्या अंदर जाने का कोई रास्ता है? नहीं, यहाँ पर तो है नहीं, साइड में देखता हूँ। नहीं यार, यहाँ पर भी नहीं है। आई थिंक मुझे ना
ये ब्लॉक्स ही प्लेस करने होंगे और तभी मैं ऊपर जा पाऊंगा, क्योंकि सीढ़ियां तो आसपास है नहीं। तो मुझे लगता है मुझे अपने 200 IQ का यूज करना ही होगा। तो क्या मेरे पास कुछ ब्लॉक्स है? यस नाइस, मेरे पास है। तो क्या बोलते हो, चले को कमेंट्स में बताओ। तो अभी मैं जस्ट ऊपर आया था और भाई साहब अगर सच बात बोलो ना तो अपने लग चुके हैं, क्योंकि एक बार तुम ज़रा नीचे देखो, अगर मैं गलती से भी नीचे गया तो भाई मुझे 1 सेकंड में लगेगा और ये मुझे सब मार देंगे। और ऊपर से इनको मारना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भाई ये एक दो नहीं बल्कि किलो के हिसाब से है। और एक बार फिर से देखो, नीचे चेस्ट भी है। और भाई और एक बार तुम इन ज़ॉम्बीज़ को देखो, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ ना बस ये वहीं पर जा रहे हैं। बस होप कि मैं नीचे गलती से भी ना गिरूँ, और अगर मैं गिरा तो और वेट यार, ये साला राइट वाला ज़ॉम्बी कब से ऊपर आया जा रहा है, पहले मैं इसी को देखता हूँ। ये ले भाई साहब। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, तो यार इन ज़ॉम्बीज़ को ना एक एक करके मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तो अब क्या किया जाए। हाँ एक काम करते ना, सुबह होने का वेट करते हैं, और जैसे सुबह होगी ये सब खुद ही मर जाएंगे। वाह क्या दिमाग है। तो अभी मैं सोता हूँ और सुबह का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। सो यो, सुबह हो चुकी है और नीचे अपनी पार्टी चली है ओपी वाली, को पकने देते हैं। तब तक तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और अभी का सीन ये है कि नीचे सारा मामला पानी ठंडा हो चुका है और सारे ज़ॉम्बीज भी ख़त्म हो चुके हैं। रात को देखो यार कितने सारे ज़ॉम्बीज थे, और अभी देखो सब कुछ सोना पड़ा है। तो मैं अभी नीचे जाता हूँ और अपनी स्वॉर्ड लाता हूँ। ओ ये क्या है, बक्ड नेदराइट। और एक बार तुम इसका डैमेज देखो, 30, मतलब कि भाई एक ही अटैक में 30 का डैमेज, ये तो कुछ ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा भाई तभी बॉन्ड करा था कि उस स्वॉर्ड को लाना। ओ भाई मिशन तो ओपी था यार, और ये स्वॉर्ड भी भाई तबाही है। तो अभी मैं वापस विलेज जाता हूँ, और कुछ भी कहो यार स्वॉर्ड तो ओपी है। तो मैं अभी विलेज की तरफ बढ़ता हूँ और बॉन्ड से अपने डायमंड भी तो लेने हैं, क्योंकि स्वॉर्ड तो हमने ले आई है और हमारा मिशन भी अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और यार मेरा घोड़ा कहाँ है? अच्छा चलो उधर आ, रास्ता बहुत लंबा होने वाला है तो मुझे अभी निकलना होगा। तो यार अभी मैं विलेज के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच चुका हूँ, तो अभी मैं अपने घोड़े को साइड में रखता हूँ। भाई यहाँ पर रह ले यार, और सामने देखो बॉन्ड वो रहा, और मैं इसके पास जाता हूँ और इसे सब कुछ बता देता हूँ। तो यार अभी मेरी इससे बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि तुम्हें फ्यूचर में भी हमारे साथ काम करना है, और इसने मुझे इसके बदले पूरे के पूरे 30 डायमंड्स भी दे दिए हैं। और ये कह रहा था कि स्वॉर्ड भी भाई तुम ही ले जाओ, क्योंकि इसके कुछ काम की तो है नहीं स्वॉर्ड, और ना ही तो ये चलाता है। और मुझे मेरे लिए एक जॉब मिल चुकी है, बस मैं इसके अंडर काम करूँगा और उसके बदले इसे डायमंड ले लूँगा। बस भाई अपनी लाइफ तो सेट है। और हाँ अपने लेना भाई, अभी मुझे घर भी बनाना है और अभी तो काफ़ी चीज़ें करनी हैं। और वेट भाई वो देखो, वो किसका घर रहा है, ये एकदम विलेजर हाउस जैसा लग रहा है। ये हो क्या रहा है, पहले वो बेडरॉक वाला चैम्बर और अब ये, अजीब बात है। तो चलो फिलहाल अभी रात भी बहुत हो चुकी है, मैं एक काम करता हूँ, जैसी सुबह होगी मैं चल पड़ूंगा इसकी तलाश में। यो एक और सुहाना दिन इस हीरो ब्रांड की दुनिया में। और अभी मैं देख कर आता हूँ कि वो किसका घर था, पर मैं उससे पहले कुछ खा पी लेता हूँ। तो अभी मैं ऊपर की ओर चलता हूँ, और वो घर किसका होगा, क्या पता यार हीरो ब्रांड ही मिल जाए। सो अभी ना मैं उस घर के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका हूँ, और मैं उस घर के बाहर ही हूँ। क्या कोई अंदर है? हाँ ये कौन है, एक और प्लेयर? भाई ये कौन है, भाई मारियो नहीं, भाई मारियो नहीं, दोस्त हूँ मैं तेरा। ओके ये मारा तो है नहीं हमें। और इसका नाम क्या है, नाम ना भाई नाम बता दे अपना। नहीं नहीं भाई ये नाम भी नहीं बता रहा है, पर यार कुछ भी कहो घर तो इसने काफ़ी ज़्यादा कमाल का बना रखा है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं से पूछता हूँ कि भाई क्या मैं भी ना इसी के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि देखो यार वो सब तो विलेजर है और हम दोनों मतलब एक सैम मिलते हैं प्लेयर हैं हम, तो एक बार के लिए मैं इससे बात करके देखता हूँ। ओके सो गाइस यार इसने ना हमारी बात मान ली है, और ये हमारा दोस्त भी बन चुका है। फिलहाल मैं ना अपने विलेज से एक बेड लाता हूँ, और अभी मुझे पता चल रहा है कि बॉन्ड हमें बुला रहा है और उसके पास हमारे लिए एक और मिशन है। तो वेट मैं उससे बात करके आता हूँ और फिर तुम लोगों को बताता हूँ कि वो क्या कह रहा है। Meanwhile, ओके सो गाइस यार अभी ना मुझे ओपी वाली बात पता चल चुकी है,
जो बॉन्ड है वो हमें एक और मिशन दे रहा है, और जो वो वाला मिशन है भाई वो ना कसम से खतरनाक होने वाला है। तो चलो यार, बाकी ना मैं तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में बताता हूँ कि वो मिशन क्या है, और नेक्स्ट एपिसोड में हम उस मिशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और चलो फिर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।